दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पठान फिल्म के बारे में। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का टीजर जब से रिलीज हुआ है तब से फैन इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने। फैंस के बीच इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। वही फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग लेकर देश भर में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इन सब के बीच यह फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आज हम आपको इस फिल्म के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इस फिल्म में आपको एक्शन का डोज मिलेगा। इस फिल्म में आप जहां शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की एक्टिंग करते देखेंगे वही दीपिका को भी एक्टिंग करते हुए देखेंगे। दीपिका पादुकोण की दमदार एक्शन सीन में नजर आने वाली है। मीडिया के मुताबिक फिल्म में शाहरुख से ज्यादा एक्टिंग दीपिका ने की है। इस लुक के लिए शाहरुख खान ने बाल बढ़ाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए शाहरुख खान ने कई महीनों तक अपने बाल नहीं कटवाए थे। इस फिल्म से जुड़े सितारों ने पठान फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है। अभिनेता को बर्फ पर बाइक चलाने और ट्रेन में चलने जैसा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। महीनों की मेहनत के बाद वो इस फिल्म के लिए खुद को तैयार कर पठान की फिल्म के निर्माण में लगभग 2 साल लग गए। इसके लिए फिल्म के निर्देशक देश दुनिया गए। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने खुद कहा था कि वे फिल्म में शाहरुख का किरदार काफी दिलचस्प है और उनका व्यवहार अप्रत्याशित होगा। फिल्म में शाहरुख और जॉन के शानदार फाइट सीन भी देखने को मिलेंगे। पठान के साथ पहली अनोखी चीज अंत में समाप्त हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की श्रेणी में फिल्म है जो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्म तरह होगी जो 2 क्रेडिट दृश्य देगा। समझा जाता है कि ऐसा भारत में पहली बार किया जाएगा। इस फिल्म में इस घटना को पठान की सभी हिंदी फिल्मों में दिखाए गए दृश्य से बिल्कुल अलग दिखाया जाएगा। पठान में ऑडियंस थ्रिलर एक्शन आईमैक्स फॉर्मेट में होगा। कहा जाता है कि अब तक यह फिल्म भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में नहीं बनी है। पठान की इस तरह की फिल्म होगी जिसे स्पेन के मेलकोरा आइसलैंड में शूट किया जाएगा। हालांकि इस फिल्म के बाद रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म की शूटिंग भी इस आइलैंड में हुई थी। तो अगर आप भी शाहरुख खान को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।